संदेश खली की घटना हुई, कांग्रेस भी चुप रही, आम आदमी भी चुप रहा जी। महिलाओं के अधिकार के लिए नहीं बोले। दूसरा, मुख्यमंत्री के घर पे एक राज्यसभा की महिला सांसद के साथ जो अत्याचार किया जाता है जी, लात घूसे मारे जाते हैं, अपमान किया जाता है, और उसके बावजूद मुख्यमंत्री अपने उसी अधिकारी को अपनी गाड़ी में बिठा के अगले कई दिन तक चलाता है। ये स्पष्ट तौर पे दिखता है कि महिलाओं का सम्मान इन राजनीतिक दलों में नहीं है। कांग्रेस में कहती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन इस मुद्दे पर बोल नहीं सकती। लेकिन क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई? आम आदमी पार्टी कह रही है कि बेल मिलने से बीजेपी परेशान हो गई, इंटरिम बेल ही है बेशक, वो उनको 2 जून को सरेंडर करना है। देखिए मैं दो बातें कहूँ जी को, अरविंद केजरीवाल जी जेल में है भ्रष्टाचार के मामले में, लगातार जेल में रहे, कोर्ट ने केवल उनको प्रचार करने के लिए अवसर दिया। दूसरा मैं आपको कहूँ, इनके अपने उप मुख्यमंत्री भी जेल में है, जेल मंत्री जेल में, शराब मंत्री जेल में, शिक्षा मंत्री जेल में है। ये ऐसी पार्टी है जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया और खुद भ्रष्टाचार में डूबी हुई पाई जा रही है, नेता जेल में पाए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अरविंद केजरीवाल की अंतरिम राहत तो कंडीशनल है जी। क्या अरविंद केजरीवाल जी, जो आपको लगता है शराब घोटाले में जेल में गए जी, उनका एक नहीं अनेक ऐसे घोटालों के आरोप हैं, शीश महल से लेके दिल्ली जल बोर्ड ये सब दिखता है जी। मैं हमेशा आपसे पूछना चाहता हूँ जी, ऐसी कौन सी मजबूरी थी इनको घूस खानी जरूरी थी? दिल्ली की जनता अपने आप को कितना दुर्भाग्य उनका, कितना ठगा हुआ महसूस करती जब अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति फर्जी कपड़े मचोड़ कर शर्ट आदि बाहर निकाल के खांसते हुए लोगों को दिखाना है जैसे पता नहीं वो कितने कमजोर आदमी है क्या है? लेकिन सही मायने में उन्होंने दिल्ली के लोगों को ठगा है। मैं हमीरपुर पे भी आऊंगा, अगर हमीरपुर आना तो चलिए पानी के नजदीक भी चलते हैं जी जी जी। चलिए हमीरपुर की हम बात कर रहे हैं, हम पानी के करीब आ ही गए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं अभी पूरा आपका आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी घूमते हुए आ रहा था, आपने यहां पर एक अपने सांसद निधि के साथ जो काम करा है वो तो करा ही है, लेकिन एक आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को पॉलिटिकल पर्सनल टच भी दिया है। सिर्फ पॉलिटिकल टच नहीं है, पर्सनल टच भी है, ये क्या है? और आते हुए हमने वंदे भारत ट्रेन भी देखी जाते हुए। जब देश में कहीं बड़े शहरों में नहीं चल पाई थी जी, उससे पहले मोदी जी ने चौथी वंदे भारत देश की ऊना से दिल्ली के लिए चलाई। बहुत सारी ट्रेनें वृंदावन, मथुरा, हरिद्वार, महाकाल लोक, खाटू श्याम से लेकर कलकत्ता से नांदेड़ साहब, बहुत सारी ट्रेन मोदी जी ने हमें दी है, मैं उनका आभारी हूँ। रेलवे लाइनें भी हमें जिला बिलासपुर के लिए, ऊना के लिए। आप भी केंद्रीय मंत्री थे तो आपका भी प्रभाव रहता होगा। देखिए मिलती तो मोदी जी के आशीर्वाद से है, उनकी कृपा दृष्टि से सब मिला, क्योंकि मेरे एक लोकसभा क्षेत्र में एम्स भी है, पीजीआई का एक्सटेंशन सेंटर 500 करोड़ रुपए का भी है, और 2 मेडिकल कॉलेज भी हैं, एनआईटी भी है, ट्रिपल आईटी भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, कई केंद्रीय विद्यालय 12 के लगभग हैं। चलिए अब हम आप